आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से खबर है, लव जिहाद पर बोले हैं पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक जमीरुल्लाह खान। प्यार कभी बंद नहीं हुआ है और ना कभी होगा। पहले लव के बाद शादी होती थी, अब सरकारें बनती हैं, अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन जाती हैं। प्यार नेचुरल जो सदियों से चला आ रहा है। सपा विधायक ने भाजपा पर प्रहार किया और अपने बयान में हेमा मालिनी का भी उन्होंने जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जबीरुल्लाह खान। ये उनका कहना है कि पहले लव के बाद शादी होती थी, अब सरकारें बन जाती हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, कहना है जबीरुल्लाह खान का, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अलीगढ़ से खबर, अलीगढ़ में उनका बयान। उनका कहना है कि प्यार कभी बंद नहीं हुआ और न ही भविष्य में कभी होगा। एक तंज वो कर रहे हैं कि पहले लव के बाद शादी होती थी, अब सरकारें बन जाती हैं। लव जहाद का नाम आज दे दिया, क्या प्यार मोहब्बत पहले नहीं थी? ये ना मोहब्बत करना रुकी है ना रुकाएगी, ये नेचुरल है, ये किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले जब लोग मोहब्बत करते थे तो लोगों के घर बसते थे, पड़ोस के लोग, भाई बहन सब लोग मिलकर रिश्ते करा दिया करते थे, दोस्त हमेशा घर बसा दो, ये इससे मोहब्बत करता है या इससे मोहब्बत करती है। लेकिन आज इस मोहब्बत के जरिए सरकारें बन रही है। 100% सरकार बन इलेक्शन आ गया है तो अब ये सरकार बनानी है, कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं। हेमा मालिनी को देख लो आप, हेमा मालिनी को देख लो आप, क्या जहाद है? ये मोहब्बत है, धर्मेंद्र से मोहब्बत करती थी, बीवी आड़े आ रही थी, उन्हें क्या करें, ये धर्म परिवर्तन कर लो, उसमें निकाह तीन निकाह जायज है, दोनों ने धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया। इधर बरेली में लव जिहाद पर साध्वी प्राची ने एक विवादित बयान दिया है। हिंदुओं को सिर्फ पैसे कमाने की चिंता है, मुसलमान हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता करता है, मस्जिदों और मदरसों से लव जिहाद फैलाया जा रहा है, ये बयान है साध्वी प्राची का। आगे वो कहती हैं कि जिस दिन ये मस्जिद और मदरसे बंद हो जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया में अमन चैन हो जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है और वहां पर गैर हिंदुओं का कब्जा हो रहा है और हिंदू पलायन कर रहा है, अब ये लोग लैंड जिहाद, गेम जिहाद भी कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनको क्या करना, पेंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों, किसी गली मोहल्ले में पेंचर की दुकान दिखाई देती है? उससे उनको बहुत बड़ा एक जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उनकी कामयाबी है। खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है, मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है। ये मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएगी, लव जिहाद भी बंद हो जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थे, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। तो धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, और धामी जी से मैं बात भी करूँगी। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में उनके आईडी प्रूफ चेक करने चाहिए। इन्होंने तीन तीन चार चार दस दस बीस बीस आईडी बना रखी है और पूरे के पूरे गांव घेर लिए। उत्तराखंड से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और इन्होंने पूरे के पूरे गांव में कब्जा कर रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।